हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनबॉक्स एजुकेशन। कॉलेज रिव्यूज लगातार जारी है। आज हम बात करेंगे आरका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के बारे में। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी जमशेदपुर झारखंड में है। दिस इज आर वेरी ओन यूनिवर्सिटी। इसके बारे में सारी डिटेल्स बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आरका जैन यूनिवर्सिटी, इसको चूज करने का सबसे पहला रीजन जो है, दैट इज अ ब्रांड नेम। इट इज अ पार्ट ऑफ रेनाउंड ब्रांड JGI। JGI मीन्स जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इनके पूरे इंडिया में 85 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। एंड आप समझ सकते हो कि ये ब्रांड नेम बड़ा होने से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है। हर साल 70,000 स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर निकलते हैं इस पूरे ग्रुप से। सो जब हर साल इतने बच्चे पढ़ के निकलते हैं और पिछले 30 सालों से निकल रहे हैं, तो हर कॉरपोरेट, हर एम्प्लॉयर जैन के बच्चे को जानता है। जैन का नाम उनसे अगर कनेक्टेड होता है तो एम्प्लॉयर्स हमेशा ही उसको तवज्जो देते हैं। और इनके ही सीनियर, जैन के ही सीनियर किसी न किसी जगह पर अच्छे कॉरपोरेट में एज एन HR प्लेस्ड हैं, तो वही जैन का जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं जैन के बच्चे का, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है। एलुमिनाई का जो है, वो एलुमिनाई नेटवर्क का भी बेनिफिट मिलता है। सो ब्रांड नेम अगेन, 85 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में होने की वजह से ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो एजुकेशनल ग्रुप है वो बन जाता है। सो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से आपको आरका जैन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं जानते तो ये टाटास का टाउन है। और टाटा स्टील के बारे में आपने सुना होगा, टाटा मोटर्स, रतन टाटा जी के बारे में आपने सुना होगा। ये टाटास का टाउन है और ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी हर कास्ट एंड क्रीड के लोग रहते हैं। और टाटा स्पॉन्सर्ड एक तरह से आप मान के चलिए यूनिवर्सिटी है। टाटा यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटी होने की वजह से आरका जैन यूनिवर्सिटी को बहुत तवज्जो देती है और यहाँ प्लेसमेंट्स में भी और अदर इंटर्नशिप्स एक्टिविटी में भी बहुत हेल्प करती है। सो टाटा स्टील होने की वजह से, क्योंकि टाटा स्टील की वजह से टाटा की एंसिलरीज कंपनी भी है, करीबन 1000 कंपनीज यहाँ पर। आईडा एक आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया है जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा टाटा की एंसिलरीज कंपनी है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट्स की बहुत बढ़ जाती है। तो सेकेंड रीज़न, जमशेदपुर में यूनिवर्सिटी है, टाटा नगर में है, टाटा के टाउन में है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप आरका जैन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वैल्यू एडेड कोर्सेस। आप आरका जैन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करो, यहाँ पर एक चीज़ की स्पेशलिटी है। अगर आप BBA पढ़ रहे हो, फॉर दैट मैटर अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हो, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉप वर्ल्ड क्लास के सर्टिफिकेशन होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे अभी मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ साथ हमारे यहाँ CIMA, ACCA, ये एज ए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एज ए सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। अगर आप बात करो कि मास कम्युनिकेशन या फैशन डिजाइनिंग की, तो यहाँ पर जितने भी लीडिंग कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन आपको दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, मान लो एक बच्चा है जो BCOM करके किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया है, और एक बच्चा है जो BCOM के साथ साथ टैली भी जानता है, बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन भी जानता है, और डिजिटल मार्केटिंग का भी सर्टिफिकेशन इसके पास है, तो वेटेज ज़्यादा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली इस बच्चे को जिसके पास BCOM के साथ साथ एडिशनल सर्टिफिकेशन है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप आरका जैन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। फोर्थ, इंडस्ट्रियल विजिट और एजुकेशनल टूर। इसके लिए हमारे ग्रुप में हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। हम एक साथ एजुकेशनल टूर, क्या होता है, 10 दिनों के लिए आपका ट्रेन टिकट, फूडिंग, लॉजिंग सब फीस में इंक्लूड होता है। जहां भी हमारे ग्लोबल कैंपस हैं या कहीं ऐसी जगह हम लेके जाते हैं जहां बच्चों को, इसको एक्सकर्शन का नाम नहीं दिया, इसको हम एजुकेशन टूर बोलते हैं, क्योंकि 3-4 दिन सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, एक दिन स्पोर्ट्स मीट होते हैं, लास्ट के 3-4 दिन लेजर जो है आपको छोड़ा जाता है। तो सारे बच्चों को, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को एक साथ पूरी ट्रेन बुक होती है, और 700-800 बच्चों से भी ज़्यादा जो है वो बच्चे जाते हैं एक साथ। तो ये पूरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ये एजुकेशनल टूर, और फर्स्ट ईयर में फीस के साथ ही इंक्लूड रहता है, आपको अलग से कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटी, अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपको आरका जैन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज फैकल्टी। जितने भी फैकल्टी हैं, एक तो मैक्सिमम PhD डिग्री होल्डर हैं जो एक यूनिवर्सिटी का बेसिक नॉर्म्स होता है, और उससे कहीं ज़्यादा फैकल्टी हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो है
वो 1:10 का है, 1:20, कहीं कहीं किसी कोर्स में जहां पे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पे 1:20 का है, लेकिन फैकल्टीज जो हैं यहां पर मोर देन 120 परमानेंट फैकल्टी हैं। तो एक तो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है और फैकल्टीज की संख्या भी ज़्यादा है, तो आपको एक यू कैन से इंडिविजुअल केयर भी आपको आर्का जैन यूनिवर्सिटी में मिलता है। एंड माय सिक्स्थ पॉइंट इज एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में देखो आर्का जैन यूनिवर्सिटी कभी भी बस पढ़ाने पे फोकस नहीं करती है, उनका हमेशा जो फोकस होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का कैसे किया जाए, उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, उसको उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दी जाए, उसके कम्युनिकेशन पे काम किया जाए, उसके सॉफ्ट स्किल पे काम किया जाए, सो दैट जब वो 3 साल या 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी से निकले तो पूरा का पूरा जो है उनको एक ओवरऑल पैकेज यू कैन से, या ओवरऑल बच्चे का जिसको सर्वांगीण विकास बोलते हैं कि वो अच्छा बोलता भी है, अच्छा लिखता भी है, सब्जेक्ट नॉलेज भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी एक्सपोजर है और सॉफ्ट स्किल भी उसकी अच्छी है, तो ऐसा एक प्रोडक्ट बनके ये 3 ग्रेजुएशन के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी से निकले, इसकी पूरी की पूरी कोशिश होती है। 7th नंबर पर जो मेरा पॉइंट्स है वो है इवेंट्स। ये इतना पैक्ड इवेंट कैलेंडर है यहाँ पर, अगर आप जैसे आते हो कमेंसमेंट डे से आपका इवेंट कैलेंडर शुरू हो जाता है, कमेंसमेंट डे के बाद फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी के बाद नवोत्सव, नवोत्सव के बाद रणभूमि जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है जहाँ पर पूरे के पूरे स्कूल कॉलेजेस आते हैं और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है स्पोर्ट्स का। इसका आगाज़ नेशनल लेवल का जो है यूनिवर्सिटी फेस्ट है जहाँ पे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ तक आती हैं, सो इतने बड़े स्केल का इवेंट होता है, होली होता है तो बहुत बड़े स्केल का इवेंट करते हैं यहाँ पर, सो दैट स्टूडेंट को वो एक्सपोजर मिलता है। स्टूडेंट मान लो कि अब एक एक इवेंट ऐसे होते हैं जिनका बजट ही 50 लाख रुपए का है और ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो स्टूडेंट मैनेज करते हैं, तो जब स्टूडेंट इस स्केल का इवेंट मैनेज करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। सो ये भी है कि एक तो पूरा पैक्ड इवेंट कैलेंडर है, स्टूडेंट को इस फेस्ट से, फेस्टिवल से, इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सो इवेंट भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको जैन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। 8th पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फीस जो है वो फीस बहुत लोअर साइड पे है, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी कम है, लेकिन हाँ बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है, एक रीजनेबल फीस चार्ज किया जाता है। लेट से BBA की फीस 60,000 है, BTech की फीस 85,000 है, तो एक रीजनेबल फीस में जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि आप पूरी की पूरी BTech की पढ़ाई 3-3.5 लाख में कंप्लीट कर लेते हो, आप पूरा BBA 2 लाख रुपए से भी कम में कंप्लीट कर लेते हो, तो इतने रीजनेबल फीस में आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन मिल जाता है कि आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। कि मान लो आपकी फीस है 2 लाख रुपए से भी कम, आपको पैकेज मिल रहा है 3 लाख रुपए का, एक तो ये है कि आप 8 लाख रुपए की फीस दो और 2 लाख रुपए का पैकेज क्लेम करो, एक है आप 2 लाख रुपए की फीस दो और 2 लाख रुपए का पैकेज क्लेम करो, तो बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसका है? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं बोलूंगा ये पूरे ईस्ट इंडिया में सबसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है जिसको आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड माई लास्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स इतना बेहतरीन हो गया है कोविड के बाद, एक ही चीज़ है जो कि ईस्ट इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अच्छी हुई है। कोविड के पहले फिजिकल प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा जोर होता था, पूरे कॉरपोरेट उठकर कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में आते थे, कैंपस में आने के बाद वहाँ यहाँ कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज होता था और फिर प्लेसमेंट्स होता था, लेकिन अब कोविड के बाद वर्चुअल प्लेसमेंट का दौर शुरू हो गया है। कंपनी सिटिंग इन नोएडा, सिटिंग इन गुड़गांव, सिटिंग इन मे बी एनी मेट्रो सिटी, और वो यहाँ पर प्लेसमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि जूम पे, गूगल मीट पे अब प्लेसमेंट हो जा रही है और बच्चों को ज्वाइनिंग भी मिल जा रही है। आज 250 से भी ज़्यादा कॉरपोरेट्स जो हैं वो आज जैन, आर्का जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के बच्चे 16 लाख रुपए तक का एनुअल पैकेज क्लेम कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा किनको, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कम पैसे में आपको अच्छी एकेडमिक्स चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रांड नेम चाहिए, अच्छा एकेडमिक्स चाहिए, पैक्ड इवेंट कैलेंडर्स चाहिए, और अगर आपका फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट पे है, आपको अपने आप को ग्रो करने में है, आपका वैल्यू एडिशन करने में है, तो आपको आर्का जैन यूनिवर्सिटी ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, 1 स्टार इनके एकेडमिक्स के लिए, 1 स्टार इनके इवेंट के लिए, 1 स्टार इनके ब्रांड वैल्यू के लिए और 1 स्टार इनके प्लेसमेंट्स के लिए। 1 स्टार कटेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो रोड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आप सबके सामने होगी।
सो दिस इज़ द अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आई होप मैंने आपको जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के बारे में आपको ज़रूर जानकारी दी होगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं www.arkajainuniversity.ac.in। सो अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। प्लीज़ 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 टेक केयर।